हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.8 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे मैंने आपको बता रखा है क्या करना होगा। लेट द, सबसे पहला काम यही रहेगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ a fraction बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई। अच्छा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका x बाई वाई। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम लोग न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस का 6 इक्वल टू में वाई, इसको इधर आते हैं इसको इधर, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ देखिए अब इसके बाद क्या कर रहा है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू में y माइनस 1, यानी आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू में माइनस 1, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों से सॉल्व कर देखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू में 6, इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और इधर आपका 7। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं। चलिए माइनस वाई इक्वल टू में सिक्स, तो 21 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस वाई इक्वल टू में 6, तो माइनस वाई इक्वल टू में 6 माइनस का 21। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, आपका आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 15। माइनस माइनस हटा देंगे, y का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन निकालना था ना जी, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई था, तो x का वैल्यू आया है हमारे पास 7 और y का आया है 15, यानी 7/15 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, दे आर इन द रेशियो 2:3, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में, जो भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में, आपको क्या करना होगा, पहले लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी एक्स और वाई के सम फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरफ करते हैं, तो x प्लस वाई माइनस का 2x इक्वल टू में 4, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू में 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं, नाउ इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 इंक्रीज कर देते हैं दोनों को, तो फ्रैक्शन जो हो रहा है रेशियो 2:3 में हो जा रहा है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 9, ठीक है,
और इधर हो जाएगा आपका 2y प्लस का 6। इसको इधर लाते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू में 6 माइनस 9, यानी कि 3x माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 3। ये आपका इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इक्वेशन सेकंड में 1 से, ताकि x का कोफिशियंट सेम मिलने लगे। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y इक्वल टू में 12, और ये आपका यही रहेगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस का 3। ये आपका यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा y और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, तो y का वैल्यू 9 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, तो माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 4। यही ना था जी ऊपर, यही था। चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस x प्लस y के वैल्यू है 9 इक्वल टू में आपका यहाँ 4। तो माइनस एक्स इक्वल टू में 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस 5, माइनस माइनस हटा देंगे, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो जो हमें फ्रैक्शन मिलना था, फ्रैक्शन जो था वो फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, यानी कि 5 बाई 9। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड द न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें भी वही काम करेंगे, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर and the denominator of a fraction be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बाई वाई हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए तो फ्रैक्शन x बाई वाई हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5, और डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन 6/5 हो जा रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इससे पहले ये काट देंगे 3 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x इक्वल टू में हो जाएगा 3y माइनस का 15, 5x इक्वल टू में 3y माइनस का 15। इसको इधर लाते हैं, तो 5x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 15 इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए नाउ आगे क्या कह रहा है, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर को डबल किया जा रहा है, ठीक है, एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, न्यूमरेटर को 8 इंक्रीज किया जा रहा है, तो देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5x प्लस का 40 इक्वल टू में 4y। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से 5x माइनस का 4y इक्वल टू में 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ ये माइनस का 40 होगा, देखो ना ये माइनस का ना हो जाएगा, ये इधर आ रहा है। चलिए अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स के कोफिशिएंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 15, 5x माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 40। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस कट जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और इधर में आ जाएगा आपका 25। और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 5x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 5x माइनस का 3y का वैल्यू है 25 इक्वल टू में माइनस 15, तो 5x माइनस का 75 हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 15। 5x इक्वल टू में माइनस का 15 प्लस का 75, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू में 60, ये जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में 60/5
यहाँ 2l आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू 2l आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन आपका क्या था, x बाई वाई ना, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 2l बाई में 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाई 1 द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। सेम वही काम, लेट द न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस वाई इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस देन है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस देन है, ठीक है। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, तो x प्लस वाई माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 3, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 3 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए नाउ फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आगे इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाई 1, दोनों को 1 डिक्रीज करते हैं, तो देखिए हम लोग न्यूमरेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या हो जाता है डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है, तो डिनोमिनेटर का हाफ हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू में y माइनस 1, इसको इधर लाते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस y इक्वल टू में माइनस 1 प्लस का 2, यानी हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू में यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, x माइनस y इक्वल टू में माइनस 3 और ये है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का 4, माइनस माइनस हटा देंगे x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब लिख देते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 रख देना है, 4 माइनस वाई इक्वल टू में 1, तो 8 माइनस का वाई इक्वल टू में 1 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इसको उधर लेके जा सकते हैं ना, तो माइनस वाई इक्वल टू में 1 माइनस 8 यानी माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर अब आपका वाई इक्वल टू में हो गया 7। तो हमें फ्रैक्शन ना बताना था, देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वह x बाई वाई यानी कि आ जाएगा यहाँ 4/7, समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन, रवि का आंसर और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।